नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर से 10वीं बार विधायक रहे आजम खान को जेल से आजादी मिल ही गई। भ्रष्टाचार, जमीन कब्जा और फर्जी कागजात सहित कई मामलों में पिछले 27 महीने से आजम खान जेल में कैदी बनकर रह रहे थे, पर जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आए उनका एक अलग ही अंदाज नजर आया। बालों में लाल मेहंदी और चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान। जेल के बाहर आजम के स्वागत के लिए उनके समर्थक भारी संख्या में मौजूद थे। स्वागत के लिए भतीजे अखिलेश की जगह शिवपाल किस तरह से नजर आए, दिखाते हैं आपको। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए 20 मई की सुबह सबसे सुकून वाली थी। 20 मई की सुबह आजम के लिए वो सुबह थी जिसका इंतजार आजम खान कई सालों से कर रहे थे। सुबह सुबह जेल का गेट खुला और आजम खान बाहर आ गए। जैसे ही आजम बाहर आए समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान वो अपने सफेद कुर्ते और काली बंदी में नजर आए। बालों में लाल मेहंदी और चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ जेल के बाहर पुलिस कर्मियों से बात करते दिखाई दिए। इसके बाद वो अपने सफेद रंग की इनोवा कार से बाहर निकले। आजम खान की अगवानी में समाजवादी पार्टी से खफा विधायक शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे। जेल से बाहर आते ही आजम शिवपाल से मिले, गले लगाए और भावुक भी हो गए। आजम खान के जेल से बाहर आने पर शिवपाल काफी ज्यादा खुश नजर आए। आजम के जेल से रिहा होने के बाद शिवपाल ने आजम खान के साथ फोटो भी शेयर की और लिखा, स्वागत और शुभकामनाएं। आजम खान के बाहर निकलते ही यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। शिवपाल सिंह यादव सपा नेता को लेने खुद सीतापुर जेल पहुंचे तो बातें भी होने लगी। शिवपाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि क्षितिज पर नया सूरज निकल रहा है, आइए आजम खान साहब का इस्तकबाल करें। बता दें आपको, हाल ही में शिवपाल यादव और आजम खान भी जेल में भी मिले थे। इसके साथ ही राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया था। आजम खान की रिहाई और इस मौके पर शिवपाल यादव की मौजूदगी ने एक बार फिर लखनऊ में सियासी माहौल गर्म कर दिया है। सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि क्या वाकई आजम शिवपाल साथ आ सकते हैं, मिलकर किसी पार्टी का गठन कर सकते हैं, क्योंकि ये जग जाहिर है कि आजम और अखिलेश के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इतना ही नहीं, अपने घर रामपुर पहुंचते ही आजम खान ने पहली बार मीडिया में बयान दिया कि मेरे साथ जो जो हुआ वो भूल नहीं सकता हूं। आजम खान के समर्थकों ने पहले ही साफ कर दिया था कि आजम के लिए अखिलेश ने कुछ भी नहीं किया। आजम के मीडिया प्रभारी पिछले दिनों रामपुर में सपा के खिलाफ बयान दे चुके हैं। मोहम्मद आजम खान के करीबी समर्थक और मुस्लिमों के दिल में भी सपा के उनके साथ न खड़े होने को लेकर टीस है। उनका कहना है कि मोहम्मद आजम सपा के संस्थापक सदस्य है, मगर इसके बाद भी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं किया गया। तो अब देखना होगा आजम शिवपाल के साथ जाते हैं या अखिलेश के साथ। आजम खान की रिहाई के बाद सीतापुर से लेकर शाहजहांपुर, बरेली और रामपुर तक जगह जगह स्वागत किया गया, तो वहीं उनके रामपुर में जश्न का माहौल है। मगर रिहाई के साथ ही तमाम लोग ये सवाल खड़े करने लगे हैं, जो नगर निकाय और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर किसी के जहन में है। सवाल अहम है और सभी की नजरें इसी पर बनी है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। अब देखना होगा आजम खान क्या कुछ फैसला लेते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।